नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आप सभी को एक अपनी कुछ आप बीती शेयर करना चाहता हूं, यानी कि जब मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया तो मैंने अपने चैनल के ऊपर स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर किस प्रकार से कंप्लीट करे, उसके लिए मुझे कितना समय लगा और क्या क्या तरीके मैंने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मैंने आजमाए, वो सारी के सारे अपने एक्सपीरियंस मैं आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि हो सकता है कुछ आपको उससे टिप्स मिले, कुछ आपको उससे जानकारी मिले और आप भी अपने सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी अपने चैनल के ऊपर उसकी मदद से कंप्लीट कर सको। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, YouTube के बारे में मुझे पहले कुछ भी जानकारी नहीं थी, यानी कि किसी भी प्रकार की मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी। मैं केवल इतना जानता था कि कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी हमें गाना अगर डाउनलोड करना है तो हम YouTube की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर किस प्रकार से अपलोड करते हैं उसके बारे में मुझे एक सिंगल परसेंट भी जानकारी नहीं थी। मेरा फ्रेंड था, उसने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा था, वो कुछ अपने टेक वीडियोस अपलोड करता था मोबाइल से संबंधित रिपेयरिंग के, और उसने ही मुझे जानकारी दी कि तुम भी अपना यूट्यूब चैनल बनाओ और उसके ऊपर वीडियोस अपलोड करोगे तो आपको पैसे की प्राप्ति होगी। जहां पर पैसे का शब्द आया तो मैंने सोचा क्यों नहीं, काम तो कर ही रहे हैं, क्यों ना यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। और यूट्यूब चैनल बनाने के बाद में मुझे पता चला कि भैया YouTube से पैसा ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है, YouTube से पैसे की प्राप्ति करने के लिए मुझे अपने चैनल के ऊपर 1000 लोग जोड़ने पड़ेंगे। 1000 लोग का मतलब यानी कि 1000 सब्सक्राइबर मुझे इकट्ठे करने हैं, मुझे उनको शामिल करना है, मुझे अपने चैनल के ऊपर उनको सब्सक्राइब कराना है और उसके बाद मुझे अपने चैनल के ऊपर जो भी मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ उस वीडियोज के ऊपर मुझे कम से कम 4000 घंटे चाहिए। यानी कि मेरे वीडियोस को जब 4000 घंटे तक वाच किया जाएगा उसके बाद में एक मोनेटाइजेशन नाम करके कुछ एक बला है जिसको अनेबल करना जरूरी है, उसको अनेबल करने के बाद में मेरे वीडियोस के ऊपर एडवर्टाइजमेंट मुझे देखने को मिलेंगे और जो एडवर्टाइजमेंट से जो इनकम की प्राप्ति होगी वही मेरी यूट्यूब की इनकम होने वाली है। तो यानी कि बना तो लिया, अब बनाने के बाद में ये सारा काम करने में कितना समय लगेगा ये सोच सोच कर मैं दुखी हो गया। अब मैंने उसके ऊपर वीडियोज अपलोड किए, स्टार्टिंग में मैं मोबाइल की रिपेयरिंग के वीडियोज डालता था, यानी कि कोई भी मोबाइल में कोई भी अगर फॉल्ट होता था, किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न होती थी, चार्जिंग से संबंधित, नेटवर्क से संबंधित या एक्स वाई जेड कोई भी डिस्प्ले प्रॉब्लम, टच प्रॉब्लम, तो इस प्रकार के मैं वीडियोज अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया करता था। तो मेरे वीडियोज के ऊपर मात्र कभी 2 व्यूज, कभी 3 व्यूज, कभी तक 10-10 दिन तक व्यूज ही नहीं आते थे। तो बिल्कुल से दिमाग चकरा गया, अब क्या करूं, किस प्रकार से मैं सब्सक्राइबर अपने चैनल के ऊपर बढ़ाऊं, किस प्रकार से मेरे चैनल के ऊपर लोगों को जोड़ता चला जाऊं ताकि मैं YouTube चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट करूं। मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट कर दिया, चैनल बना दिया, मुझे चैनल भी नहीं बनाना आता था, उसने चैनल बना दिया, ठीक है बना दिया तो ठीक है, वीडियोज अपलोड करना भी उसने सिखा दिया, लेकिन व्यूज प्राप्त तो मुझे ही करना है, किस प्रकार से मैं व्यूज की प्राप्ति करूं। अब मैंने फिर क्या किया, फेसबुक का इस्तेमाल किया। अब फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर मैंने अपनी एक नई आईडी बनाई, पहले से थी लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो आईडी मेरी हैक नहीं हो जाए, इतना तो जानकारी थी कि भैया आईडी को हैक भी किया जा सकता है और किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान हमें पहुंचाया जा सकता है। तो मैंने नई आईडी बनाई एक, और उस आईडी के ऊपर मैंने अपने वीडियोज का लिंक शेयर करना स्टार्ट किया। मैंने लिंक शेयर किया तो तुरंत ही मुझे रिप्लाई मिला कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूं। तो मैं देखा भाई ये कौन है, मैं जानता भी नहीं उसको, उसने तुरंत ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और तुरंत ही कमेंट कर दिया कि भैया जल्दी से सब्सक्राइब करो वरना मैं आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। मैंने देखा यार ये तो अच्छा काम है, यानी कि एक सब्सक्राइबर मेरा बढ़ गया, तुरंत ही एक मिनट भी नहीं मैंने उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, फिर मेरे लिंक के ऊपर दूसरा कोई बंदा आया, उसने भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। इस प्रकार से यानी कि 10 मिनट के 15 मिनट के अंदर मेरे चैनल के ऊपर
10 सब्सक्राइबर इंक्रीज हो गए। मैंने देखा यार ये तो बहुत ही आसान है, क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा लंबे समय तक काम करता रहूं। तो मैं केवल उसी दिन फेसबुक का ही इस्तेमाल करने लगा। उस दिन मैंने पूरे दिन फेसबुक का इस्तेमाल किया और उस दिन मेरे चैनल के ऊपर 1110 सब्सक्राइबर इंक्रीज हो गए। यानी कि एक सिंगल डे के अंदर मेरे चैनल के ऊपर मैंने देखा कि 1110 सब्सक्राइबर मैंने मेरे चैनल के ऊपर इकट्ठा कर लिए। तो भैया मन को काफी ज्यादा सुकून मिला, काफी ज्यादा खुश हुआ मैं कि भाई ये तो चीज हो गई मेरी, यानी कि 1110 सब्सक्राइबर मेरे इकट्ठे हो चुके हैं। अब मैंने फेसबुक का इस्तेमाल करना बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है और सबसे अच्छा साधन फेसबुक को मैंने मान लिया कि भाई दुनिया के अंदर जो भी अच्छी चीज है वो फेसबुक है। अब ये तो ठीक हो गया कि 1110 सब्सक्राइबर हो गए। अगले दिन जब मैं उठा उसमें से मैंने देखा कि भैया 450 सब्सक्राइबर मेरे कम हो गए। अरे यार ये क्या हो गया, समझ में नहीं आया। कल तो 1110 सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए थे, वो कहां गए? अब मुझे ये भी नहीं पता था कि जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको अनसब्सक्राइब कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे तो जानकारी थी नहीं। यूट्यूब चैनल मैंने नया बनाया था और जो मेरे फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया था उसने भी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं दी कि आप सब्सक्राइब तो कर लोगे लेकिन उन चैनल को अनसब्सक्राइब करना हो तो कैसे करोगे। अब भाई मेरे यूट्यूब के ऊपर जैसे मैं स्क्रॉल करूं तो कभी कोई चाइनीज लैंग्वेज आए, कभी कोई कहां की लैंग्वेज आए, कभी कैसे वीडियोज आए। अब मैं दुखी हो गया। फिर मैंने अगले दिन दोबारा से फेसबुक का इस्तेमाल किया, फिर 300-400 सब्सक्राइबर मेरे इंक्रीज हो गए। यानी कि इस प्रकार से मैं रोज फेसबुक का इस्तेमाल करता रहा और रोज मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज होते और सुबह उठता तो वो सब्सक्राइबर मेरे डिक्रीज हो जाते। ऐसे तो बात नहीं बनने वाली थी भाई, ऐसे तो यानी कि केवल मेरे चैनल के ऊपर मैं उनके चैनल को सब्सक्राइब करता रहूं और मुझे तो अनसब्सक्राइब ही नहीं करना है। और मेरे तो सब्सक्राइबर की तादाद मैं तो उनकी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर रहा हूं और मेरी तो जहां से मैं स्टार्ट कर रहा था बिल्कुल सुबह वहीं पर आकर मैं बैठ जाता। फिर मैंने एक चीज सोची कि ऐसे तो काम नहीं बनने वाला, अब मुझे कुछ अलग ही करना होगा। तो मैंने एक कम्युनिटी को बिल्कुल बनाने की कोशिश करी कि ऐसा वीडियोस मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूं जिसके अंदर सभी कम्युनिटी के लोग शामिल हो सके, यानी कि ऐसा वीडियोस जो कि सभी के लिए लाभदायक हो, जिसको सभी लोग देखना चाहते हो। तो मैं मोबाइल की रिपेयरिंग के वीडियोस डालता था, अगर आपका मोबाइल खराब होगा तभी आप मेरा वीडियोस देखोगे, अन्यथा आप क्यों देखोगे। आपका मोबाइल बिल्कुल 101% बिल्कुल सही कंडीशन में है तो भाई आप क्यों वो वीडियोस देखोगे। तो ये दिमाग के अंदर मेरी बात आई तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा वीडियोस मैं बनाऊं जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी के लोगों को शामिल कर सकूं। हिंदू लोग भी उसको देखें, ईसाई लोग भी देखें, मुस्लिम लोग भी देखें, क्रिश्चियन लोग भी देखें, यानी कि जितनी भी कम्युनिटी के लोग हमारे भारत के अंदर रहते हैं या भारत से बाहर हैं, जो आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं वो भी उस वीडियोस को वॉच करें। तो ऐसा भाई मैंने एक दिन दो दिन ऐसा कुछ सोचा। सोचने के बाद कोई एक मेरे पास वीवो का मोबाइल आया, वीवो का टच स्क्रीन का मोबाइल मेरे पास आया और उस बंदे ने मुझसे पूछा कि सर इसके अंदर एक कॉल मेरी आती है और पता ही नहीं लगता। कॉल जब भी कोई आती है उस नंबर से मुझे पता ही नहीं लगता और वो मिस कॉल बन जाती है और वो बंदा बार बार मुझे बोलता है कि मैंने आपको कॉल किया। तो यानी कि उस नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था उस बंदे ने गलती से, और जब भी वो कॉल करता तो वो मिस कॉल बन जाती और उस वहां पर कॉल करने वाले को वो बिजी बताता कि आपने जिस नंबर से संपर्क करने की कोशिश की है वो अभी बिजी है। अब मैं समझ गया कि हाँ इसकी प्रॉब्लम कॉमन है जो किसी के साथ भी उत्पन्न हो सकती है, किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने तुरंत ही उसका मोबाइल लिया, उसको वीडियोस को शूट किया, उसकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया और उसका एक ब्लैक लिस्ट सेटिंग का वीडियोस बना डाला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं, मैंने इस वीडियोस के अंदर ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी के लोगों को शामिल करने की कोशिश की जो कि सभी लोग देखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे वो इंडिया के बाहर के हो। यानी कि मैंने उस वीडियोस के अंदर कम्युनिटी को शामिल करने की कोशिश की और वो वीडियोस इतना वायरल हुआ मेरा कि उस वीडियोस ने एक महीने के अंदर
मेरा वॉच टाइम आवर भी कंप्लीट कर दिया, मेरे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर दिए, और पूरे के पूरे 5 महीने के अंदर मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज करा डाला। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मुझे मेरे चैनल के स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में पूरे के पूरे 5 महीने लगे। पहले तो मैं अपने दोस्त को बोलता था कि भाई मेरा चैनल है ये सब्सक्राइब कर ले, उसका मोबाइल ले लेता था और सब्सक्राइब कर लेता, बेल अलर्ट को एक्टिवेट कर देता, कभी व्हाट्सएप पे लिंक भेजता और उनको कॉल करके बोलता कि भाई मैंने एक चैनल चालू किया है और उसको आप ओपन करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में एक घंटी का निशान है आप उसके ऊपर जाकर क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से यानी कि बोलता रहता था। लेकिन जब से मेरे पास वो दिमाग आया कि भाई कम्युनिटी के लोगों को शामिल करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को शामिल करने की कोशिश करो जो कि आपके वीडियोज़ को वॉच करें, तो उसके बाद मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगे, ऑटोमेटिकली मेरा वॉच टाइम आवर इंक्रीज होने लगा और पूरे के पूरे 5 महीने के अंदर मैंने अपने नए यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कराकर अपने यूट्यूब की पिन प्राप्त कर अपने यूट्यूब से इनकम भी स्टार्ट कर डाली। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आप भी इस प्रकार के वीडियोस बनाओगे जो कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी के लोगों को शामिल करते हैं तो डेफिनेट आपका वीडियोस काफी ज्यादा जल्दी वायरल होगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर इंक्रीज करता चला जाएगा और वॉच टाइम आवर तो आपका कब कंप्लीट हुआ आपको पता भी नहीं लगेगा। यही कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। सो तो वीडियो बनाकर क्यों ना सभी को एक साथ बता दी जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना